आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको जो पाठ पढ़ा रही थी यानी कि पाठ 12 और उसका प्रश्नोत्तर मैंने प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने पहले और दूसरे प्रश्न को करा दिया है। अब बारी है बाकी प्रश्नों को कराने की, तो अब मैं बाकी प्रश्नों को इस पर लिखूंगी, पढ़ के समझाऊंगी आपको, फिर आप उसे अपनी कॉपी पर देखकर लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको सीधे लाती हूँ जो यहाँ पर तीसरा प्रश्न मैंने लिखा है। उससे पहले मैं प्रश्न को पढ़ दूँ, आप प्रश्न सुन लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। मैं आपको प्रश्न पढ़कर पहले बताती हूँ। जो इसका तीसरा प्रश्न है वो है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है। तो उस प्रश्न का मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है कि दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थरों के टुकड़ों से जाना जाता है। तो बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना तीसरे प्रश्न तक मैं पहुंच चुकी हूं, आपको तीसरे प्रश्न तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरे प्रश्न को मैं दोहरा दूं, अगर आपको पढ़ने में वहां से दिक्कत हो तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। तो मैं पुनः पढ़ देती हूं कि दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थरों के टुकड़ों से जाना जाता है। तो इतना मैंने समझा दिया, अब मैं पढ़ती हूँ आपको, अगले प्रश्न को बताती हूँ। उत्तर संख्या जो 4 मैंने यहाँ लिखा है वो आपको समझाती हूँ। जो इसका चौथा प्रश्न है वो है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। तो आप आ जाइए, उसने जैसे कहानी बताई थी कि पहाड़ से वो गिरता है, टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, फिर टुकड़ों में विभक्त होकर के वो हवाओं से, लोगों के पैरों से चलते फिरते टक्कर खाते वो घिसता जाता है, उसका नुकीलापन कम हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे एक छोटे अंश में बदल जाता है, दरिया के साथ बहता हुआ, फिर रेत के में परिवर्तित हो जाता है। बच्चे घरौंदा बनाते हैं, खेलते हैं, बालू में मिल जाता है, वही सारी चीज़ें। लेकिन मैं क्रमशः तरीके से मैं यहाँ इसको लिख चुकी हूँ और आपको पढ़ के बताती हूँ, साथ ही आप उसको लिखते चलिए। तो कहाँ प्रश्न को दोबारा पढ़ दूँ कि गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। तो बच्चों, उत्तर इस प्रकार है कि गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताता है कि पहले वह भी पत्थर का टुकड़ा था, पानी के बहाव के कारण घिसकर गोल तथा चमकीला हो गया। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, जिसको मैंने पढ़ के भी सुना दिया। तो आप इसको अपनी कॉपी पर लिखते जाइए ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो इतनी बात समझ के मैं अब अगले प्रश्न पर आती हूं। जो इसका पांचवा प्रश्न है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूं। पांचवा प्रश्न है कि गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार से उत्तर लिखो। तो आप इसको समझ लीजिए कि गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता। तो बच्चों, इसका उत्तर यहाँ पर मैंने लिखा कि गोल चमकीले रोड़े को दरिया और आगे ले जाता तो वह घिस घिस कर रेत का कण बन जाता। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि
जब लगातार वो घिसता रहेगा, लगातार पैरों से ठोकर पाता रहेगा और उसे उसका जो नुकीलापन है धीरे धीरे घिसता जाएगा, उसका आकार दिनों दिन छोटा होता चला जाएगा और दिनों दिन छोटा होने के साथ साथ फिर वो अंत में ये स्थिति आएगी कि रेत का कण बन जाएगा, रेत का कण बनेगा और बालू में जाके मिल जाएगा। जब बालू में मिल जाएगा तो सिर्फ वो खेलने की चीज, घरौंदे बनाने, बच्चों के लिए मनोरंजन करने के लिए घरौंदे बनाना, खेलना, जो उस पे बच्चे खेलते हैं वो सब करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर मैंने आपको उत्तर के रूप में लिख दिया है, आप उसे देख कर करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं पुनः पढ़ती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा कि गोल चमकीले रोड़े को दरिया और आगे ले जाता तो वह घिस घिस कर रेत का कण बन जाता और समुद्र के किनारे जाकर अपने ही जैसे कणों में मिल जाता, जिस पर बच्चे खेलते और घरौंदा बनाते तथा अन्य कामों में भी प्रयोग करते। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रश्न कराया, ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है। देखिए यहाँ दिख रहा है बच्चों कि ये प्रश्न संख्या मैंने डाल रखी है, उत्तर नंबर 5। प्रश्नों को मैं साथ में पढ़ती चल रही हूँ क्योंकि प्रश्न और उत्तर दोनों यहाँ लिखना थोड़ा कठिन है क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, फिर उत्तरों के लिए एक प्रश्न से ज़्यादा हम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मैं प्रश्नों को बोलकर बता रही हूँ और उसके उत्तरों को यहाँ मैंने लिख दिया है, आप इसे देखिए और लिखिए। तो इतनी बातें तो बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसके ऊपर के प्रश्न को अब रब कर दे रही हूँ और जो इसका आखिरी प्रश्न है उसे भी आपको लिखवाती हूँ। तब तक आप अपने नीचे के प्रश्न को लिखिए, कोई कठिनाई हो तो आप मुझे कमेंट करके या ऑनलाइन सेशन में जो भी प्रश्न आपको बच्चों न समझ में आए उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में, या किसी कारण से आपका प्रतिदिन ऑनलाइन सेशन भी होता है डाउट क्लियरिंग का, तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में भी उसको पूछ सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 5 प्रश्न तक काम करा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको उतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं अब 6 प्रश्न की तरफ बढ़ूंगी, 6 प्रश्न पहले पढ़ूंगी फिर आपको लिख करके उत्तर दूंगी, समझाऊंगी, साथ साथ आप उसे करते जाइएगा। तो 6 प्रश्न बच्चों है कि नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पढ़ दिया और फिर अब मैं इसका उत्तर लिखूंगी। उन्होंने क्या बताया है पता पाठ के आधार पर लिखें। तो मैं अब चलती हूँ, इसका जो 6 प्रश्न है वो लिखूंगी ताकि आप उसका भी उत्तर लिख लीजिए। मैं बढ़ती हूँ आगे और प्रश्न को दोहरा देती हूँ। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है पाठ के आधार पर लिखें। तो मैं प्रश्न का उत्तर शुरू करती हूँ। नेहरू जी ने बताया है कि देखिए बच्चों प्रश्नों को लिखने में थोड़ा वक्त लगता है तो इसलिए आप धैर्यपूर्वक उत्तरों को लिखते चलिए मेरे साथ साथ, आपका भी काम खत्म हो जाएगा और मेरा भी खत्म हो जाएगा तो आपको प्रश्न के उत्तर भी समझ में आ जाएंगे। तो नेहरू जी ने बताया है कि पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी, पृथ्वी पहले
बहुत गर्म थी। इतनी चीजों को आप मेरे साथ लिखेंगे तो आप में कमियां नहीं आएंगी। साथ साथ मात्राओं पर ध्यान देके करिए, लिखावट पर भी ध्यान दीजिएगा, कटिंग नहीं होगी तो आपके उत्तर अच्छे माने जाएंगे। धीरे धीरे यह ठंडी हुई, धीरे धीरे यह ठंडी हुई। मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए लिख रही हूं ताकि आप भी इसके साथ साथ लिखते चलें। धीरे धीरे यह ठंडी हुई तो इस पर वनस्पतियां पैदा होने लगी। इसके बाद जीव इसके बाद जो जीव था वो अस्तित्व में आ गया, यानी कि जीव का एक पुनरुत्थान हो गया, जीव जो था वो जन्म ले लिया। तो इसके बाद जीव अस्तित्व में आया। फिर काफी दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद जब और वक्त बीत गया तो मनुष्य का जन्म हुआ। तो इसके बाद फिर मनुष्य आया, अस्तित्व में आया। फिर इस धरती पर मनुष्य आया। मनुष्य के आ जाने पर यह दुनिया विकसित होने लगी। जैसे ही मनुष्य आएगा तो ये दुनिया जो रहेगी वो विकसित होने लगेगी। तो मनुष्य आया, मनुष्य के आ जाने पर यह दुनिया विकसित होने लगी। इतनी बातें आपको बच्चों समझ में आ रही होगी कि इस धरती पर पहले मनुष्य था नहीं, फिर मनुष्य के आ जाने से धीरे धीरे एक एक चीजें जो थी वो विकसित होती चली गई, बढ़ती चली गई। तो विकसित होती हुई सारी चीजें आगे बढ़ने लगी। और इस प्रकार देखा जाए तो प्रश्न आपका जो था वो आ रहा है कि नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई। तो जब मनुष्य आया तो ही उसके बाद इस दुनिया का प्रारंभ हुआ। तो यहां तक मैंने आपको समझा, दुनिया विकसित होने लगी। इस प्रकार इस पर मैं इसे आगे लिख देती हूं और नीचे के प्रश्न को मैं रब कर दे रही हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपने उसे लिख लिया होगा। तो मैं एक पंक्ति रब कर रही हूं, अगर किसी बच्चे का छूटा होगा तो वो लिख सकता है। देखिए, मैंने थोड़ी जगह इसलिए बना ली कि
लिखने में कठिनाई हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा रब कर दिया। अगर आपका छूटा है नीचे का हिस्सा तो आप उसको लिख लीजिए, फिर इसको लिखिएगा। तो इस दुनिया विकसित होने लगी, फिर आप इसके आगे लिख दीजिए इस प्रकार धरती पर अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ। तो ये आपका जो छठा प्रश्न था, छठा प्रश्न जो है उसका उत्तर मैंने यहां लिख दिया है। एक बार मैं इसे पढ़ देती हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो प्रश्न भी पढ़ देती हूँ और उत्तर भी पढ़ देती हूँ। तो इसका जो प्रश्न है वो है कि नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। इसी प्रश्न का उत्तर है कि नेहरू जी ने बताया है कि पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी, धीरे धीरे यह ठंडी हुई तो इस पर वनस्पतियां पैदा होने लगी, इसके बाद जीव अस्तित्व में आया, फिर इस धरती पर मनुष्य आया, मनुष्य के आ जाने के बाद दुनिया का एक नया विकास हुआ, दुनिया विकसित होने लगी और इस प्रकार धीरे धीरे अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ और फिर आगे बढ़ के जो प्रश्न शेष बचे हैं मैं उनको समझाती हूँ। आप उनको भी देखिए, फिर मुझसे पूछिए अगर कोई दिक्कत हो। तो इसमें कुछ प्रश्न पत्र से आगे करके दिए हुए हैं, मैं उसको पढ़ रही हूँ और उसके साथ मैं उसको समझाऊंगी। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है, लगभग हर जगह दुनिया के शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित हैं, तुम्हारे यहां कौन सी कहानी प्रचलित है? कहने का मतलब अगर हम दुनिया के शुरुआत की बात करें तो हमने तमाम पुराणों में, तमाम वेदों में दुनिया के शुरुआत की कहानी सुनी है। कभी श्रद्धा मनु के रूप में, कभी आदम और हवा के रूप में, और कभी तमाम ऐसी कहानियां को किस्से कहानियों में जोड़कर बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली हैं। तो बच्चों, इन्हीं किस्से कहानियों की तरह हमारी धरती भी करोड़ों वर्ष पुरानी थी और इन करोड़ों वर्षों में इस धरती का जो स्वरूप था बदलता चला गया। तो ये धरती की कहानी हो गई जो इस पाठ में बताया गया है। तो इसी तरीके से ये धरती की जो कहानी है, इसका जो बदलाव है, क्रमशः पहले सूर्य के अंश में थी, अलग हो गई, फिर धीरे धीरे इस पर चीजें परिवर्तित होती चली गई, वनस्पतियां हो गई, लोग रहने लगे। तो इसी को हम कहते हैं धरती की कहानी, यानी किसी भी चीज के जन्म के पीछे एक कहानी प्रचलित होती है। तो इसमें मैंने आपको समझा दिया, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है, तुम्हारी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है और क्यों? तो आप बच्चों किसी को भी बता सकते हैं कि आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है। रामायण है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, गोदान है, या कोई कहानी की पुस्तक है, ऐसे किसी खास पुस्तक का नाम लिखिएगा इस जगह पर। तो है और क्यों है कि उसमें कोई अच्छी बात जो आपको पसंद आए, तो आप कोई पुस्तक पढ़िए और फिर उसको लिख सकते हैं। दो लाइन चार लाइन में बताइए कि हमको गोदान प्रेमचंद का लिखा गोदान पसंद आता है, तो इसके मतलब उसमें ग्रामीण जीवन का सुंदर चित्रण है। बस आप क्लास सिक्स के विद्यार्थी हैं, इतना आपके लिए बहुत है। तो इसमें सिर्फ इतना लिखना है। तो ये सारी चीजें मैं बोर्ड पे नहीं लिख के बता रही हूँ, आपको समझा दे रही हूँ
और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और फिर मैं बढ़ती हूँ चौथे प्रश्न की तरफ, जो इसका चौथा प्रश्न है वो आपको समझाती हूँ। तो बच्चों, चौथे प्रश्न में कहा गया है कि तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर यदि मानव ने आग की खोज की थी, उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता होगा। अब बच्चों, मैं आपको आदिम अवस्था की ओर ले जाती हूँ। आदिम अवस्था का कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि पुराने समय में जो हमारा आदिम काल था, उसमें जब लोग जनजातियों में, समूहों में, जंगलों जंगलों में रहते थे, तब वो पकाकर खाना नहीं जानते थे और जानवरों को मारने के लिए पत्थरों के टुकड़ों का प्रयोग करते थे हथियारों के रूप में। तो हथियारों के रूप में उनको नुकीला रखकर उनसे फेंक कर मारना और उनको भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करना आदि करते थे। फिर उसके बाद पत्थरों का उपयोग मकानों में भी होता है। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया है उसमें आपको यही बताना है कि दो पत्थरों को, जब पत्थरों को रगड़कर आग की खोज की, ये कहानी आपने सामाजिक विषय में पढ़ा होगा कि आग की खोज कैसे की गई। तो आग की खोज, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे रगड़कर जब चिंगारी निकली, तब हमारे आदि मानवों ने जाना कि पत्थरों को रगड़कर चिंगारी निकलती है। तो आग की खोज यहीं से हुई। फिर इसी के बाद से उन्होंने भोजन को बनाना, पकाना, पकाकर खाना सीखा। तो पत्थरों को रगड़कर आग तो बनती थी उस आदिम अवस्था में, लेकिन आज पूरा, और फिर इसको हम नुकीले पत्थरों को हथियार और अस्त्र के रूप में भी प्रयोग कर लेते थे उस आदिम अवस्था में जानवरों को मारने के लिए। उसके बाद पत्थरों का उपयोग मकानों को बनाने के लिए भी होता है। तो मैंने आपको ये प्रश्न भी समझाया। अब मैं बढ़ती हूँ आगे के प्रश्न पर। इसके आगे का जो प्रश्न है वो है, यदि प्रकृति का एक अक्षर किसी पेड़ को माने तो क्या उसे पढ़ने के लिए सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया है कि, पहले मैं समझा दूं कि यदि प्रकृति का एक अक्षर किसी पेड़ को माने तो क्या उसे पढ़ने के लिए सिर्फ आंखों की आवश्यकता पड़ती है। नहीं बच्चों, प्रकृति को पढ़ने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकृति को जानने के लिए आपको छू कर भी महसूस होता है। इसके पूर्व मैंने आपको जो देख कर भी नहीं देखते पाठ पढ़ाया था, तो मैंने उस सारी चीजें उसमें समझाई थी कि हेलन केलर कैसे चीड़ के पेड़ों को छूती थी, कैसे भोजपत्रों की छालों को छूती थी और फिर उसको महसूस करती थी। तो सिर्फ आंखों की जरूरत नहीं होती है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो देख करके भी समझी जाती हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया। अच्छा हाँ, प्रश्न तीन एक है, मसूरी और इलाहाबाद शहर भारत के कौन से प्रांत में है, वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है बच्चों कि मसूरी उत्तरांचल में और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ये प्रश्न भी आपको बहुत बार एक नंबर के प्रश्नों में पूछा जा सकता है, तो आप इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। फिर मैंने अगले प्रश्न को भी इस पे लिख दिया है कि पत्थरों का प्रयोग हथियारों के रूप में तथा घर हथियारों के रूप में, मैं यहाँ थोड़ा मेन छूट गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, हथियारों के रूप में तथा घर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। मैंने आपको यहाँ थोड़ा लिख दिया है ताकि आपको थोड़े सी हिंट मिलेगी, तो आप प्रश्नों के उत्तर इजीली अच्छे से कर सकते हो। और जो इसका पांचवा प्रश्न है, यदि प्रकृति का एक अक्षर किसी पेड़ को माने तो उसे पढ़ने के लिए क्या सिर्फ आंखों का इस्तेमाल होगा, तो मैंने उसको भी संक्षिप्त में यहां लिख दिया है कि नहीं, इसे छूकर भी जाना जा सकता है। तो मैंने इसे आपको समझा दिया है।
तो इतना प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं इसके आगे के प्रश्न में अनुमान और कल्पना का जो प्रश्न है वो आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हर चीज के निर्माण की कहानी होती है, जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी गद्दे रजाई के निर्माण की कहानी भी होती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की भी कहानी होती है। कल्पना करो यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि वह पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तीनों ने एक निर्माण की कहानी की बात की है कि निर्माण की कहानी कैसे होती है, तो उसी तरीके से यहां पर एक प्रश्न दिया है अनुमान और कल्पना का। तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो, इसलिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करनी होगी। इसी प्रकार कुछ और चीज के बारे में अनुमान लगाओ और बताओ। तो यहाँ पर ताला, कुर्सी और रजाई तीन शब्द लिखे हैं जो बिल्कुल रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाले हैं, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। आप जैसे, मैं एक उदाहरण के रूप में समझा दूं कि जैसे आप लिखेंगे ताला लोहे का होता है, घरों में लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ये फैक्ट्रियों में बनता, घर में नहीं बनता ताला, तो आप लिखेंगे कि ये फैक्ट्रियों में बनता है, ये बहुत मजबूत होता है, ये इसके कई आकार होते हैं वगैरह, ये सारी चीजें। इसी तरह आप कुर्सी और रजाई का भी लिखेंगे, कुर्सी में लिखेंगे पेड़ से लकड़ी काटी जाती है, फिर उसे छीला जाता है, चमकाया जाता है, फिर उसे कुर्सी के तरह एक आकार दिया जाता है जिसमें चार पाए हों, फिर उसे रंग दिया जाता है सुंदर सुंदर, और उसे घरों में रखा जाता है बैठने के लिए। इसी तरह आप रजाई का भी लिखेंगे। तो ये बेटा अनुमान और कल्पना है जो आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आती हैं। तो मैं सीधे अब आगे बढ़ती हूं भाषा की बात का जो प्रश्न है उसे समझाने के लिए। तो यहां पर पहला प्रश्न जो भाषा की बात का है, जिसमें दिया है ढकेलना, सरकना और खिसकना। तो ढकेलना, सरकना और खिसकना शब्द है, इसे आप वाक्य प्रयोग करिएगा। वाक्य प्रयोग में जैसे आप इसके साथ बताएंगे, एक वाक्य बनाएंगे, ढकेलना, मोहन को अक्सर ये आदत है कि वो कक्षा के बच्चों को ढकेल कर गिरा देता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह आप सरकना और खिसकना का बनाइए तो आपको वाक्य प्रयोग करना आ जाएगा बच्चों। तो फिर मैं इसको अब आगे नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करते जाइए। और इसका भाषा का जो दूसरा प्रश्न है वो आपको समझाने योग्य है, उसको आप ध्यान से सुनिए क्योंकि वो आपका व्याकरण का प्रश्न है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो शब्द दिया गया है, पत्थर, रस, कांटा और जहर, इन शब्दों को विशेषण बनाने को कहा गया है। तो मैंने देखिए यहां पर भाषा की बात का एक प्रश्न लिखा है और साथ में प्रश्न लिखा है कि विशेषण बनाओ। अब विशेषण बनाओ में जो इसकी प्रक्रिया होती है बच्चों, वो होता है कि आप किसी भी शब्द के साथ जब उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो विशेषण बन जाएगा। अब इसमें जो उचित विशेषण हो, जो उचित प्रत्यय हो, उसे जोड़कर हम विशेषण बनाएंगे। जैसे शब्द दिया है पत्थर, तो पत्थर से विशेषण क्या बनेगा, पथरीला। ये देखिए अंडरलाइन कर देते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, पथरीला। फिर उसी तरीके से रस से क्या बनेगा शब्द विशेषण, रसीला। और फिर कांटा से क्या बनेगा शब्द, कटीला। और फिर जहर से क्या बनेगा शब्द, जहरीला। तो ये सारे शब्द जो हैं ये विशेषण हो गए। मैं यहां पर लिख देती हूं, ये आपका विशेषण है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे विशेषण बन गए। अब प्रश्न में एक चीज और कही है, वो चीज है कि आप इसके लिए एक उचित संज्ञा जोड़िए। इसी विशेषण के साथ आप एक उचित संज्ञा जोड़िए। तो मैंने देखिए इससे जो मिलता जुलता सा
स्वरूप संज्ञा का जो एक सही लगेगा वैसी संज्ञा मैंने यहाँ जोड़ी है। जैसे पथरीला है तो मैंने जोड़ा इसके साथ रास्ता, फिर रसीला है तो मैंने इसके साथ जोड़ दिया यहाँ पर मिठाई, फिर यहाँ पर कटीला है तो कटीले के साथ मैंने जोड़ा मार, संज्ञा है। फिर जहरीला है तो जहरीले के साथ मैंने यहाँ पर जोड़ा भोजन, जो आपको मैंने संज्ञा दिखाई। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भाषा के प्रश्नों को भी आप अपनी कॉपियों पे करें, क्योंकि भाषा के प्रश्न जो हैं वो आपसे प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। आपको शब्द दे दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा विशेषण बनाइए, या लिख दिया जाएगा कि विशेषण बनाकर उसके साथ एक उचित संज्ञा जोड़ें। तो आपको ऐसे ही अपने उत्तरों को लिखना है। अब मैं बढ़ती हूं आगे, इसके आगे जो प्रश्न है मैं उसकी चर्चा करती हूं आपसे, आप उसको ध्यान से सुनिए। इसका जो दूसरा प्रश्न है उसमें खाली जगह भरने को दी गई है, और खाली जगह भरने में संक्षिप्त में बता रही हूं ताकि आपको इतना प्रश्न ना पढ़ना पड़े, और पढ़कर आपको इतनी चीजें समझ में नहीं आएंगी, अगर मैं उसे समझा दूंगी तो वो आपको और आसान लगेगा। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है, नीचे आपको कुछ खाली स्थान भरने के लिए प्रश्न दिए गए हैं और साथ में जोड़ने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द ही योजक हैं। योजक का मतलब होता है बच्चों कि जो दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़े उसे योजक कहते हैं। तो यहां पर बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, ताकि, या ताकि, ये सारे योजक दिए गए हैं जिसको आप सुटेबल रूप में देखकर जो जहां जिस वाक्य में उचित लगे उसे आप भरिए। तो मैं इसको पढ़ती हूँ, यहां मैंने यद्यपि लिख दिया है लेकिन फिर भी मैं पढ़ के आपको समझाती हूँ। यहां पर जो पहला है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, तो यहां पर डैश लगाया है और डैश के साथ है मैं मेले में जाना चाहती हूँ, तो इसमें पहले में क्या भरा जाएगा, परंतु, यहां पर भरा जाएगा परंतु। तो ध्यान से सुनिए, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूं। इसका दूसरा है, मुनिया ने सपना देखा कि, यहां देखिए मैंने लिख दिया है कि, मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। फिर तीसरा है, छुट्टियों में हम सब न दुर्गापुर जाएंगे न जलंधर, तो यहां न भर देंगे। फिर इसका घ है, सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही खाना बना लूं, यानी यहां पर ताकि भरा जाएगा। फिर है, अंगा में है डैश, मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा डैश मैं यह बात ना कहता, तो यहां पर भरा जाएगा यदि और तो। यदि मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा तो मैं यह बात ना कहता, तो यहां पर यदि और तो भरा जाएगा। चम है, मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं की डैश तारीफ ही की थी, तो यहां बल्कि भरिए, मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं की थी बल्कि तारीफ ही की थी। फिर इसका अगला है, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई डैश अनाज महंगा है इसलिए अनाज महंगा है, यानी कि यहां पर इसलिए भरा जाएगा। इसके बाद है, विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच, कि मतलब यहां पर या भरा जाएगा। तो मैंने संक्षेप में यहां पर सारा लिख दिया है कि क में परंतु भरा जाएगा, ख में की भरा जाएगा, ग में ना भरा जाएगा, घ में ताकि भरा जाएगा, अंगा में यदि और तो भरा जाएगा, च में बल्कि भरा जाएगा, छ में इसलिए भरा जाएगा, और ज में यह भरा जाएगा। तो बच्चों मैंने यहां पर इसमें इसलिए आपको ये भरने वाले शब्द को आपके क्वेश्चन नंबर के हिसाब से लिख दिया है। तो मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और साथ ही साथ मैं ये भी जानती हूँ कि आपको अपनी कॉपियों पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने भी हैं, तो आप
प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपियों पर लिखें। आप इसलिए वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना आए, और इसीलिए मैंने संक्षेप में आपको कक्षा 6 के विद्यार्थी समझकर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों की पाठ आपको समझ में आया होगा, उसके प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे और आप अपने प्रश्नों को कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि अब आपका ये पाठ यहाँ पूरा हो गया है और नए वीडियो में मैं कोई नया पाठ लेके आऊंगी। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।